ये पोगो है, पोगो एक अबैंडन्ड पेट है। एक महीना पहले वेरोनिका को पालमपुर में मिला था, तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसकी पूरी स्किन खराब थी और ये बहुत ज्यादा पतला था। तो वो इसको यहाँ ले आई, उसके पास कुछ काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं बताने को, तो आइए वेरोनिका से बात करते हैं। तो गए तो उन्होंने पकड़ के रखा था, फिर हमने इसको अप्रोच किया तो इसकी हालत बड़ी ही खराब है, इसके पूरा फेस स्किन इन्फेक्शन हो रखी है, पॉज जो है इसके वो स्वेलिंग हुई है बहुत ज़्यादा, कि ऐसा लगता है कभी भी बर्स्ट हो जाएंगे, और इतना इमेसिएटेड है जैसे लग रहा है कभी खाने को भी नहीं मिला है। आपकी खुद की तो डायरेक्टर है, आप इसको यहाँ क्यों ले आए? एक ट्रस्ट बना होता ना रॉबिन, तो वो है कि मेरा आप लोगों पे ट्रस्ट ज़्यादा है। आपको लगता है आपके साथ कोई समस्या है? आपने शादी नहीं करी, बच्चे नहीं पैदा किए, भैया क्या है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्लस मेरे पास मेरे बच्चे हैं अपने जो पेट्स हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती, एक ही लाइफ है, कुछ तो होना चाहिए एम आई गेस, शादी करो, बच्चे करो, घर बार देखते रहो, तो उससे तो कुछ बेटर करो। आप तो अपना शेल्टर बना रहे थे? हाँ जी, वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन थोड़ा लेट चल रहा है, पर विद इन 2 months मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, होप सो। तो वहाँ पे आप अकेले रहोगे? अकेले ही रहना पड़ेगा, कौन रहेगा साथ में, मैं किसी को पे नहीं कर सकती, फंड्स ही नहीं होते इतने, रात को मैं शिफ्ट करती हूँ, नाइट शिफ्ट करती हूँ ताकि फंड्स ही करते हो सकते। आप करते क्या हो नाइट शिफ्ट में? कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। तो जब आप अपना शेल्टर शुरू करोगे तो दिन में उसे कौन देखेगा? दिन में मैं ही देखूंगी, लाइक 11 o'clock तक पूरा सफाई वगैरह, फीडिंग और फिर बाड़ों में छोड़ने का काम होता है, उसके बाद 3 बजे फीडिंग होती है जो एक्स्ट्रा फीडिंग के लिए होता है, तो उसके बीच में जो टाइम मिलता है उसमें शिफ्ट में सोती हूँ। अभी आप हाल ही में बीमार नहीं हो गए थे काफी? हाँ, मेरे को एस्मा की प्रॉब्लम हो गई है। जैसे मान लो कि ऐसे आपको एस्मा का अटैक वहाँ होता, आप अकेले रह रहे हो, फिर क्या होगा? पंप्स हैं इमरजेंसी और बस के लिए, किसी को कॉल कर दूंगी, शायद घर वाले आ जाएंगे रेस्क्यू के लिए, नहीं तो 108 तो है ही है। मैंने सुना है वेटरनरी में आपकी एंट्री बंद है? मेरी एंट्री बंद है फॉर लार्ज एनिमल्स, मेरी एंट्री बंद है क्योंकि उनको लगता है कि मैं जरूरत से ज़्यादा केस लेके चली रहती हूँ और मैं खज्जल करती हूँ उनको। लार्ज एनिमल रखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो लार्ज एनिमल जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम वेटनरी में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो स्पेस है नहीं, हम घर पे रख नहीं सकते लार्ज एनिमल, टाइल्स एंड ऑल करके वो उनको रखने के लिए स्पेस भी नहीं है इतना कि हम लार्ज एनिमल रख सकें, तो जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक वेटनरी में रखना पड़ता है, और उनका यही रूल है कि रखोगे तो तुमको रहना है, तो फिर गाड़ी में इसीलिए सोना पड़ता है कि जब तक लार्ज एनिमल रख रहे हैं तब तक सोना है। तो इनको ठीक होने में तो कभी कभी 2-2 महीने लग जाते हैं? मैं 2-3 महीने भी सोई हूँ। तो ये गाय सड़क पे आ कहाँ से रही हैं? लोगों के घर से, जो कि बोलते हैं ये फसलें नुकसान कर रही हैं, जो पाल रहे वही छोड़ रहे हैं, मैंने कभी पाली नहीं तो मैंने तो छोड़ी नहीं। प्रशासन आपकी गौ सेवा में क्या मदद करता है? कुछ भी नहीं मिलता है। चलो गाय का तो मुझे समझ में आ गया कि डेयरी की वजह से गाय सड़क पे आती है, ये कुत्ते सड़क पे कहाँ से आते हैं? अभी मेरे को पिछले हफ्ते 2 puppies मिले हैं, तो वो किसी ने गनी बैग में डाल के सड़क के किनारे छोड़े हुए थे, तो उनमें से एक जो था वो थोड़ा बड़ा था, तो उसने छेद किया हुआ उसमें से बाहर है, तो सड़क के किनारे थे, मेरी तो ऐसे ही नज़र चली गई क्योंकि मैं गाड़ी से जा रही थी, तो अगर मेरी नज़र नहीं गई होती तो वो बैग में ही मरते जो छोटा वाला था। 45 days के भी नहीं है वो, और लोग बस इकट्ठा करेंगे वहीं पर, तो ये पनीरियाँ जब आती है ना तो ये बड़ा चक्कर होता है, क्योंकि माँ से अलग कर देते हैं, सड़क पर सर्वाइवल है नहीं, दिख जाते उठाने पड़ते हैं, और फिर स्पेस कम हो जाता है जो इंजर्ड डॉग्स होते हैं उनका, अडॉप्शन होती नहीं है, लोगों को चाहिए ब्रीड भी पालनी नहीं है उनको, इन्फेक्शन होएगी, तो जैसे अब भैया हम आज रेस्क्यू करके लाए हैं, छोड़ दिया, ट्रीटमेंट कराना नहीं है, मेहनत किसी चीज़ में नहीं चाहिए लोगों को। पूरी तरह ये रिकवर तो नहीं हुआ अभी, पर ये नड्डी में अडॉप्ट हो गया है और इसका बाकी का ट्रीटमेंट वहीं चलेगा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा ठंडा है और इसकी स्किन जो है वहाँ पे जल्दी हील हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान दें आप देखेंगे कि पोगो के जो कान हैं वो कटे हुए हैं, बहुत से जो लोग हैं उन्हें होता है कि भाई पिटबुल्स की हम पूंछ काट दें, कान काट दें, ये दिखने में अच्छे लगते हैं, बड़ी ये वाहियात प्रैक्टिस है, इसके साथ साथ गैर कानूनी भी है। तो अब अगर आप वेट के पास अपना पिटबुल ले जाएंगे, इसके कान काट दीजिए, पूंछ काट दीजिए, तो वेट मना करते हैं, इसको टेल डॉकिंग, ईयर डॉकिंग कहते हैं और ये इलीगल है, तो इसीलिए किसी ने इसके कान जो है घर में कैंची से काट दिए, और उसके बाद शायद वो अपने किए हुए काम से सेटिस्फाइड नहीं था तो इसने इसको अबैंडन कर दिया।
अब ये जो पेट्स अबैंडन होते हैं ना सड़कों पे, इनके लिए रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गली के जो कुत्ते हैं उन्हें तो फिर भी थोड़ा आइडिया होता है कि भाई कूड़े का ढेर कहाँ पे है, कौन व्यक्ति है जो मुझे खाना देता है, कौन व्यक्ति मारता है। पर ये जो पेट्स हैं जो पले ही घर में हैं, इनको तो सड़क के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो जब ये सड़कों पे आते हैं तो ये बड़ी बुरी तरह मरते हैं। तो एक तो अगर आप कुत्ता घर में ला रहे हैं तो प्लीज़ ये समझ के लाइए कि आप उसको पूरी ज़िंदगी के लिए ला रहे हैं, वो आपके परिवार का सदस्य है। पर उसके बाद भी अगर किसी कारणवश आपको छोड़ना पड़ता है तो प्लीज़ सड़क पे मत छोड़िए। जो आपके घर के नज़दीक कोई रेस्क्यू है, कोई शेल्टर है, उनसे बात कीजिए, कोशिश करिए आपके दोस्तों में से ही कोई इसको अडॉप्ट कर ले।